सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस ढंग से आप पे मैनेजर के जो नए अपडेट है उनमें इजीली लॉगिन हो सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉई लॉगिन हो या फिर DDO लॉगिन है। तो यहाँ पे आपको जैसे ही किसी ब्राउजर के अंदर आप पे मैनेजर टाइप करेंगे और सर्च मारेंगे, आपके सामने इस टाइप की साइट है वो नजर आएगी। ऊपरी जो पे मैनेजर है यहाँ पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का पेज है वो नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब इस पेज में आपको 3 URL देखने को मिल रहा है, पे मैनेजर URL फॉर एम्प्लॉई एंड DDO, फिर पे मैनेजर डिजिटल न्यू URL और प्री पे मैनेजर न्यू URL, ठीक है। तो सबके URL है वो नए बन के आए हैं, और तो इनमें किस ढंग से आपको लॉगिन होना है। सबसे पहले हम एम्प्लॉई लॉगिन होना जानेंगे ताकि हम GA55 या पे स्लिप है वो इजीली निकाल पाए। तो देखिए यहाँ पे जो इसका लिंक है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप का पेज है वो जो पहले खुल रहा था वैसे के वैसे खुलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय ID और पासवर्ड लगा के और एंटर कैप्चा फिल करके आपको लॉगिन होना है। जैसे एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय में क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको अपना जो भी आपकी ID है और पासवर्ड है आप टाइप करेंगे और यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैप्चा फिल करके लॉगिन हो जाता हूँ, ये मैंने फिलअप कर दिया है और यहाँ पे मैं हो जाता हूँ लॉग इन, ठीक है। जैसे लॉग इन करेंगे इसका पेज है वो खुल के सामने आ जाएगा। देखिए ये पूरा पेज जैसे पहले खुलता था वैसे के वैसे खुल गया है, और यहाँ पे आप जो भी करना चाहते हैं वो इजीली कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस आप सब जानते होंगे। अब देखिए मेरे ये पेज इजीली खुल गया है। यदि आपके पेज नहीं खुले तो आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ लॉग आउट होता हूँ, वापस लॉग आउट होके वापस अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आपको ये पेज खुलता है आपको अपने वापस ID को टाइप करना है, पासवर्ड को टाइप करना है और कैप्चा फिल करना है, ठीक है। मैंने जब भी मेरे सेव रखे थे मैंने, और मैं सेव करके सीधा लॉगिन हो रहा था तो मेरे समस्या आ रही थी, परंतु जैसे मैंने टाइप किया और पासवर्ड वापस टाइप किया और मैंने वापस कैप्चा को फिल किया तो मेरे लॉगिन इजीली हो गया, ठीक है। तो हो सकता है ऐसी कोई समस्या हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, तो आपको भी ऐसा ही काम करना है और इजीली आपके खुल जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप वो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रहे ताकि आपको इसी टाइप के अपडेट है वो समय समय पर मिलते रहे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।